सबसे ज्यादा अच्छा तब लगा जब आप खुद घुटनों के बल बैठ गए और अपने हाथों से मिट्टी डालने लगे। मुमन ऐसा हमने देखा नहीं है। बहुत अच्छी शुरुआत है। इस पूरी शुरुआत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है? ये बहुत ही छोटी सी शुरुआत है और मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीज़ों से ही हम सब इस एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो डैमेज कर रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट को, तो ऐसी छोटी चीज़ें करेंगे जैसे कि ट्री प्लांटेशन, ग्रीनरी, उससे क्या होगा कि हमारी जनरेशन ही नहीं सिर्फ फ्यूचर जनरेशन को भी फायदा होगा उससे। एंड दिस व्हाट वी आर डूइंग, ये जो हम छोटी सी चीज़ करें, इट्स अ सीड ऑफ होप, होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। एंड अगर हम इस तरह सारे जो सिटीजन्स हैं और मुंबईकर्स हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, एकदम ही छोटी चीज़ें, ये छोटी से सब कुछ, वी कैन रियली मेक अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, नॉट फॉर आवरसेल्व्स आल्सो, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, एयर पॉइंट ऑफ व्यू, पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली फॉर आवरसेल्व्स बट फॉर आर फ्यूचर जनरेशन आल्सो। सर, आपसे पहले हेमा मालिनी जी भी इस पहल में शामिल हुई थी, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के और भी तमाम लोगों को आगे आना चाहिए जिससे लोग इंस्पायर्ड हो और इस तरह की चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और जब आप कहते हैं कुछ या कोई सेलिब्रिटी कहता है, बात बहुत दूर तक जाती है, आम और खास सब तक पहुँचती है। देखिए, मैं अपनी तरफ से मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, और मैं जहाँ आज आप आज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ मैं, अगर ये इन्वायरमेंट नहीं होता, ये गार्डन नहीं होता, ये पार्क नहीं होता, तो शायद आज मैं यहाँ बैठकर आपसे इतनी प्यार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है, इस पार्क का, इस इन्वायरमेंट का, इस ग्रीनरी का। वो जो BMC और विश्वास साहब, इकबाल चहल साहब ने जो काम किया है मुंबई में, वो सिर्फ मुंबई में नहीं पूरी दुनिया में लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, और हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सिर्फ हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को नहीं, और हर जितने भी नागरिक हैं, कोई भी नागरिक, छोटा बड़ा सेलिब्रिटी, ये इतनी छोटी चीज़ें कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं और आपको भी करना चाहिए। अनिल जी, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो ऐसे में क्या संदेश दें? मैंने अभी वही कहा, मेरे ख्याल से एनवायरनमेंट डे की, मैं अपने आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है तो अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से ये बड़ा सिंबॉलिक चीज़ है जो हमने की है, ताकि ये जो छोटी चीज़ हम सब ने मिलकर की है, वो लोग उसके सिंपल तरीके से, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जितना मैं सिंपल कहूँगा उतने ये दूर पहुँचेगी, सबको समझ में आएगी। तो ये आजकल सब कर रहे हैं। मैटर फैक्ट, ये जो पेंडेमिक हुआ है, जो 1.5 साल से हमारे साथ, पूरे दुनिया के साथ जो हो रहा है, उससे काफ़ी हमें सीख मिली, और एनवायरनमेंट की तो कुछ ज़्यादा ही सीख। नहीं तो मुझे भी इतना कुछ नॉलेज नहीं था, नॉलेज था मगर मैं अपने दूसरे कामों में इतना बिजी था, दूसरी चीज़ों में मेरे प्रायोरिटीज़ अलग थी। अब मेरा ऐसा जो इतना, मैं खुद ऑनेस्टली बोलता हूँ, अब मुझे काफ़ी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नॉलेज आ रही है, और मैं अपनी तरफ से भी काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे वेल विशर्स हैं, और जो भी मेरे से कांटेक्ट में आते हैं, आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि सब इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें करें, ताकि हमारा एनवायरनमेंट और बेटर हो, और सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन। विश्वास जी, आपसे आपसे जानना चाहूँगा दोनों से, अनिल साहब के लिए किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो अनिल साहब का हमेशा मिसाल दी जाती है, मतलब मोस्ट फिटनेस पर्सन इन द इंडस्ट्री, और आज वो पर्यावरण को लेकर भी इतना आपके साथ जुड़ गए। आपको लगता है कि एक कदम बहुत, एक बड़ा कदम उठा लिया, अब और ज़्यादा रिच होगी और बहुत आम और खास तक बात पहुँचेगी? विश्वास और अनुशा, दोनों से। यस, डेफिनेटली आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट के डे के अवसर पर खास करके मैं कहना चाहूँगा, अनिल सर का तो बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी सब जितने भी प्रेजेंस यहाँ पे है, लेकिन ये सर ने जो बताया, ये छोटी छोटी बात, तो इसी में एक छोटा पहल है हमारा, जो अर्बन गवर्नेंस एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों का, अर्बन गवर्नेंस एक साइड पे है, एक एनवायरनमेंट इस साइड पे, ये दोनों का जो मिलाप करना है, और दोनों को मिलाप करके अपने को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे कि शाश्वत विकास, शाश्वत विकास करने की जो पहल है, वो उसको सुलझाने के लिए ये हमारा प्रयास है। आज जो हमने देखा, मई में, 17 मई को जो साइक्लोन आ गया, इसमें पूरे शहर में 2000 से ज़्यादा बड़े पेड़ गिर गए,
खाली के वेस्ट मेरे वार्ड में ही ऑलमोस्ट 350 बड़े बड़े पेड़ गिर गए। सबकी आय साधारणता 30-40 से 35-40 से 40, तो ये सर इतना बड़ा 30-40 साल का जो नुकसान हुआ है वो इतना आसान नहीं है। तो इसको लेके हमने जब फ्रॉम बीएमसी पॉइंट ऑफ व्यू हमने गार्डन डिपार्टमेंट से हमारा पूरी मेरी टीम से है इन एसोसिएशन विथ मेगा एंड वृक्ष नर्सरी हम लोग ये करना चाहते थे। इसमें खाली एक कैंपेन लगाना है कि हमने जो शुरू किया है अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट, क्योंकि आपको सबको पता है जगह की अर्बन एरिया में काफ़ी कम होती है। तो हमने ये जब साइक्लोन के दूसरे दिन तीसरे दिन हम लगातार मेरी टीम पूरी रोड पे घूमते हुए देखी तो ये डिवेस्टेशन जो देखा बहुत दुख हुआ कि पर्यावरण की इतनी हानि हो रही है तो इसको कैसे भर जाए। तो कम से कम अडॉप्ट अ फॉलन ट्री पीट एंड बी अ गार्डियन ऑफ नेचर, इस कैंपेन से लेके मैंने अनिल सर को और सभी को रिक्वेस्ट किया, सभी बहुत अच्छा तरह से रिस्पांस दे रहे हैं, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस मैसेज आता है। इसलिए बट के वेस्ट वार्ड में हम खाली सेलिब्रिटीज को लेके ही नहीं कर रहे हैं, हम बाकी भी प्लांटेशन के लिए मुहिम है, लोकल काउंसिलर्स है उनके साथ साथ। कंसेप्ट बहुत सिंपल एंड आसान है कि जिस घर के सामने मेरा पेड़ गिर गया है उस पेड़ को केयर टेकर करना है, बाकी तो बीएमसी की तरफ से सैपलिंग बीएमसी की तरफ से पूरा उसका केयर टेकर हो ही रहा। बट एज एन अथॉरिटी वी मे नॉट रीच देयर एवरी डे, सो कभी कभी 10 दिन लगते हैं 15 दिन लगते हैं। उस बीच में जो एक हमारे घर के सामने मेरे घर के सामने अगर पेड़ गिरता है और वहाँ पे मैं लगाता हूँ तो एक अटैचमेंट हो जाती है, सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, एक अपनापन आ जाता है। तो उस अपनापन को लेके इस नेचर को इस पर्यावरण को अपना छोटा छोटा हाथ बढ़ाने के लिए एक आज का ये प्रयास है। और आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, मैं तो कहूँगा कि लाइक इस नेशनल डे फॉर अस की एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हम जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं हमारे तो कर ही रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसको अर्बन गवर्नेंस में एनवायरनमेंट को संभाल के जाना है। और यही बैलेंस करने के लिए फिर ऐसे सर जैसे बोले कि ऐसे पार्क गार्डन्स बन सकते हैं, टिक सकते हैं, इसलिए आज आ गए। मैं फिर से एक बार धन्यवाद दूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सिविक अथॉरिटीज हमसे पहले आगे आते हैं। विश्वास इज अ वेरी नाइस पर्सन, ही रीचेज आउट टू अस, सो इम्पोर्टेंस वो है कि जब शासन हमारे साथ में आता है और हमको बोलता है हेल्प करो, स्टैंड अप विद अस एंड मेक श्योर दैट द पीपल पार्टिसिपेट, इट इज़ अ वेरी गुड मूव। और मतलब कल भी हम लोगों ने 5 या 6 पेड़ लगाए एंड ये लोकल फाउंडेशंस, लोकल पीपल, जो भी जितने भी नॉर्मल सिटीजन्स हैं ना, दे आर ऑल कमिंग फॉरवर्ड एंड इट इज़ थैंक्स टू हिज एफर्ट टू इन्वॉल्व ऑल द सिटीजन्स। बॉम्बे हैज़ अ प्रॉब्लम, वी हैव वेरी हाई लेवल्स ऑफ वाटर, तो पेड़ है ना नीचे नहीं जाता ज़्यादा रूट्स पकड़ने के लिए। तो जब 40 फीट और 50 फीट के पेड़ होते हैं और अनएक्सपेक्टेडली एक साइक्लोन आ जाता है तो पेड़ गिर जाते हैं। तो इस टाइम पे द प्लांट्स हैव ऑल्सो बीन सच दैट दे फ्लावर फास्ट, दे ग्रो फास्ट एंड दे आर इंडिजिनस प्लांट्स, तो यहाँ के जो एनिमल्स, बर्ड्स, बीज उन सबके साथ में है एंड प्लस ये क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू विश्वास जी फॉर दिस अमेजिंग मूव एंड अनिल जी टू कम एंड सपोर्ट अस। इट इज़ वेरी नाइस कि पीपल जो पावर में है वो अपना टाइम लेते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं। अनिल जी के हाथ में फावड़ा देख के आई एम श्योर हम सब इंस्पायर होते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मेक्स अ डिफरेंस। अनिल सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि आगे इस पूरी की पूरी प्रथा को, कि जैसे हमने कहा कि अब मैं जू की बात करता हूँ तो बहुत शुरू से गिनने रही है और इंटेलेक्चुअल क्लास एलिट क्लास यहाँ रहता है, जब मैं इंटीरियर की बात करता हूँ और अगर हम जाते हैं स्लम्स एरिया में चले जाते हैं वहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए कि ये पैगाम आम आदमी तक पहुँचे? वही मैंने बिल्कुल जो भी बात कही है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। मैंने ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोली है, बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए, बड़े सिंपल तरीके से कहा कि ये सिर्फ हर नागरिक, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी तबके का हो, एजुकेटेड हो, जैसा भी हो वैसा भी, वो ये कर सकता है। बहुत ही सिंपल और छोटी सी चीज़ है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और मैं यही इनक्रेज करूँगा कि सब मिलकर हम इस जो ये छोटी सी चीज़ है उसे आगे बढ़ाएं। इस पैंडेमिक में हाँ पैंडेमिक में हमने देखा जो सेकेंड वेव आ गई तो उसमें सब ऑक्सीजन बेड मैनेजमेंट में लगे रहे थे, हर एक का कम से कम दिन में 150 से 200 कॉल आते थे कि ऑक्सीजन बेड चाहिए। तो ये सबसे बड़ा अपना ऑक्सीजन बेड हो सकता है कि जहाँ पे एक पेड़ लगाए 30-30 साल ऑक्सीजन देते रहे अपने एनवायरनमेंट में, फिटनेस की तरह पूरा सबको मदद करे, तो यही है अपने हमने इसकी पूजा करनी चाहिए, इसको बड़ा करना चाहिए। अनिल सर, एक खास रिश्ता भी है इस पार्क के साथ, आप रोजाना मॉर्निंग वॉक पे यहाँ पर आते हैं। नहीं, यही तो जैसे मैं कह रहा था कि हम सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं, हम अपने फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं। मेरे फादर इधर आते हैं
अब मैंने आना शुरू किया। सो दैट मीन्स ये चीज़ जो सीड जो थी वो काफ़ी, क्योंकि ये पहले से बो किया था तो आज उसका फल मुझे मिल रहा है। तो हम भी अगर यही चीज़ करेंगे तो मेरे ही बच्चे नहीं, मेरे बच्चों के बच्चे भी यहाँ आएंगे, सबके बच्चों के बच्चे आएंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर जनरेशन। लेकिन हाँ, एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ सेंटा मैं ये जरूर कहूँगा कि इसको एक हमारे कलाकारों के बीच में इनिशिएटिव जहाँ भी रहते हैं कि इसको एक जर्म लेके वी मस्ट यू नो स्टार्ट ऑफ एंड बिल्ड द ग्रीनरी इन दी एनवायरमेंट एंड इंक्रीज इट इन व्हाट अनुषा सेड। सो आई मीन आई एम मोर देन हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड यस, द साइक्लोन हैज बीन डेवास्टेटिंग एंड वी नीड टू जस्ट गेट टुगेदर एंड गेट द ग्रीनरी बैक। फ्रेंड्स, JVPD कोऑपरेटिव हाउसिंग एसोसिएशन लिमिटेड के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अनिल जी का और मोटे जी का और यहाँ पर जो सभी उपस्थित थे सबका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि इस दिवस पे, इस दिन में, आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर उन्होंने आके यहाँ पर जो पूरे दुनिया को जो मैसेज दिया है कि हमें हर आदमी को, व्यक्ति को, ये छोटा सा काम है झाड़ लगाना, लेकिन लगाना बहुत अहम काम है और इसको हमें बढ़ाना चाहिए। इसको वी हैव टू प्रोपोगेट दिस, वी हैव टू प्रमोट, बिकॉज वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ ट्री कवर ड्यूरिंग द साइक्लोन। वी नीड टू रिकवर ऑल द ग्रीन वी लॉस्ट। एंड अनिल जी का इतना प्यार है विद ट्रीज एंड विद प्लांट्स। एवरी डे ही इज बीन टेलिंग मी हाउ डू वी एड मोर ट्रीज। इनफैक्ट सम टाइम बैक ऑल्सो ही वॉज टेलिंग मी I want to go around Juice Scheme and our area where we can plant more trees. Every day he asks me at least about 10 questions about trees. He's so interested in about trees and greenery and plantation. And so is our ward officer, a dynamic young dashing man, Mote, Vishwas Mote sir ne jo yahan par aake kiya hai. Thank you Mote sahab. Thank you Anil ji. Thank you Mote sahab. Mote sahab ko jab bhi main phone karta hoon, immediately phone uthate hain aur jaisa main unse kehta hoon, jo apni taraf se puri koshish ki hai. और जो मोटे साहब ने इस हमारे वार्ड के लिए काम किया, मैं उनका आप सबके सामने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। विश्वास है वेल दे हैव ऑल टॉक अबाउट इट। द फैक्ट इज इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक्स टू विश्वास जी, द वे इज टेकिंग इट फॉरवर्ड। अनिल साहब, मैं अक्सर ये कहता हूँ दादा कि जो बॉलीवुड की ताकत है वही आवाम तक पहुँच सकती है। आप लोग वो चेहरे हैं जो जब बोलते हैं आवाम उसको इम्प्लीमेंट करता है। इट्स ऑल अबाउट बॉलीवुड टू रीच आउट टू मासेस एंड एंश्योर दैट वी हैव अ बेटर टुमारो। सही, हमारी आवाम दो ही भाषा समझती है, एक बॉलीवुड का और एक दूसरे ऊपर वाले का खौफ। वो दोनों चीज़ चल रही साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो बेचारा आपकी राह देख रहा है कि मेरे को भी तो अंदर शासन की तरफ से, तो मैं सबकी तरफ से पहले तो सबको थैंक यू चारा अभी नलता अकेला रन वेट कर रहा है आपकी। इसकी मैंने बोला ये खत्म करेंगे नेक्स्ट उसके बाद से प्रकृति जिंदा रहेगी और उसका संदेश जाता रहेगा आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि नेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे खाना पीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं न्यू जनरेशन की तरफ से सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। ओके, फिर आज एक सॉन्ग सुनाती हूँ। भी नहीं तेरी मेरी का
सर लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू अनिल जी. बस लास्ट वर्ड इज ये कि ये मेरा भाई, मेरा अन्नदाता, मेरा फैमिली, मेरा परिवार मुझे बुला रहा है. वो प्लांट आइए, मैं उसके पास. एक प्लांट जो वेट कर रहा है फॉर प्लांटेशन.